सुनो ना, उठो ना। ओ गुनू के पापा, उठो, क्या मुझे वॉशरूम जाना है। तो जाना यार, तुझे कोई बच्चा है, मैं तेरे पापा, मैं तुझे लेके जाऊंगा यार। मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है तो सो जा जा, क्योंकि वैसे ही वॉशरूम में ना भूत बैठा हुआ है। भूत बैठा है? पागल हो क्या? अरे हाँ यार। तुम्हें कैसे पता? अरे मैं अभी गया था वॉशरूम। फिर? तो मैं वॉशरूम गया और मैंने लाइट ऑन की। फिर? फिर क्या, मैं वहाँ गया, मैंने लाइट ऑन करी, गेट खोला तो देखा वहाँ पे भूत बैठा हुआ है। अरे बाबू, फिर? फिर क्या, मैंने उससे बोला कि पहले भैया आप कर लो, हमारी तो वैसे निकल गई तुम्हें देख के। चलो ना यार, क्यों मजाक कर रहे हो? ये तेरे को मजाक लग रहा है यार? और नहीं तो क्या। तो एक काम कर, जा तू खुद ही मिल ले अपने भाई से, आई मीन भूत से। ना बाबा, मेरे को नहीं जाना। नहीं जाना ना तो पढ़ के सो जा, मुझे भी भैया सुबह जल्दी उठना है यार योगा क्लासेस के लिए यार। हाँ चल सो जा जा। यार बाबू मैं क्या बोल रहा था, आप भी चलते ना मेरे साथ योगा क्लासेस पे। ओहो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं मोटी हो रही हूँ? अरे ना बाबा, योगा इज गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं बीमार हूँ? अरे नहीं बाबा नहीं, देखो अगर तुम्हारे जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तो तुम ये सोचते हो कि मैं आलसी हूँ? अरे नहीं यार, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा, तो मैं बेवकूफ हूँ, तभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठी हूँ मैं? भगवान के लिए प्लीज चुप हो जाओ यार, क्यों सुबह पहले यार चिकचिकबाजी कर रहे हो यार? अच्छा, तो मैं अब झगड़ालू हो गई? देखो मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। अच्छी बात है, बाहर में गया योगा, मैं अब कहीं नहीं जा रहा, मैं चला अब सोने। देखा देखा, तुम हकीकत में योगा क्लासेस जाने ही नहीं चाहते थे और ब्लेम कर रहे थे मेरे ऊपर। तो बेटा एक काम करो, तुम सो, मैं अकेला चला योगा क्लासेस। तुम ना यार हर जगह अकेले जाना चाहते हो ताकि तुम मजे कर सको। अरे तो चलो ना यार, तुम्हें किसने मना किया है? तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखूं। देखा तुम कितने मतलबी हो, जब देखो अपने बारे में सोचते हो, मेरी सेहत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। अरे तो तुम भी चलो ना यार, मना किसने किया है? मुझे ना तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं बीमार हूँ। अरे बीमारी की बात नहीं है यार बाबू, मैंने आपको पहले भी बोला था योगा इज गुड फॉर हेल्थ। सासू? हाँ मम्मी जी प्रणाम। हाँ बेटा जी, खुश रहो, और कैसे हो? अरे मम्मी जी हमारा छोड़िए, आपके घर में तो शांति है ना। कैसे बोल रहे हो बेटा जी? देखो मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता कि मैं आपके आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, क्योंकि भैया मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ। अब क्या हो गया दामाद जी? अरे क्या हो गया, छोटी मोटी बात पे बहस करती रहती है, जब देखो बेमतलब की बात पे लड़ाई झगड़ा करती रहती है। बेटा जी थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। अरे क्या चलता रहता, कुछ नहीं चलता रहता, आज ना मेरे को आपकी वो बात याद आ रही है जब आपने मुझे विदाई के समय कही थी। मैंने क्या कहा था आपको? आपने कहा नहीं था रोते रोते बेटा जी ख्याल रखना? मुझे थोड़ी पता था आप मुझसे कह रहे हो कि बेटा तुम अपना ख्याल रखना इस बार वंडर से। बेटा जी आप नाराज मत हो, आज शाम को घर आओ, वही बात करते हैं। क्या करूंगा घर आके, क्या करूंगा मैं आपके घर आके? अरे बेटा जी और काम भी है। क्या काम है? अरे आज आपके साले को देखने वाले आ रहे हैं। तो देखने वाले आ रहे हैं तो मम्मी जी मैं क्या करूंगा? आप भी अपना डिसीजन बता देना। मेरा डिसीजन तो साला खुद बेकार निकला, मैं दूसरे की जिंदगी का फैसला क्या घंटा लूंगा? मैं नहीं आ रहा भैया, मैं नहीं आ रहा। सुनो तो। नहीं मैं नहीं आ रहा। बहुत खुशी मिल गई ना मेरी बेइज्जती करके, तुम ना पूरी दुनिया घूम लेना, फिर भी मेरी जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। मेरा दिमाग खराब है क्या? दूसरी भी मैं तेरी जैसी ढूंढूंगा? आई मीन जब ढूंढने की जब बात आ रही है तो अच्छी वाली नहीं ढूंढूंगा क्या?